हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं गदर 2 के 16वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके 3 दिनों के वीकेंड के कलेक्शन के बारे में। तो 3 दिन का जो इसका वीकेंड का कलेक्शन था वो 135 करोड़ का था, वहीं 5 दिनों का वीकेंड का कलेक्शन जो इसका 335 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ ये फिल्म बॉलीवुड की इतिहास सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी थी। पहले हफ्ते में इस फिल्म का क्लेश अक्षय कुमार की OMG 2 जेलर से हुआ था। इसके बावजूद सनी देओल की फिल्म पहले हफ्ते में ही 385 करोड़ की कमाई की इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और 350 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। इस फिल्म के शुरुआती 10 दिनों के ही टिकट मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो चुके थे। इस फिल्म को देखने के लिए फैन सिनेमा घरों के बाहर भी खड़े रहे। अब भी अपने आप में तीसरे हफ्ते कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके 2 हफ्तों में, तो 2 हफ्तों का जो कलेक्शन था वो 419 करोड़ का कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर था, जबकि वर्ल्ड वाइड पर 530 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। अगर बात की जाए इसके इस हफ्ते कलेक्शन के, तो तीसरे हफ्ते में भी ड्रीम गर्ल 2 भी रिलीज हो चुकी है। इससे सनी देओल की फिल्म के पास लगभग 2300 स्क्रीन है। इस फिल्म को इस हफ्ते ड्रीम गर्ल 2 से काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा है। 15वें दिन सनी देओल की फिल्म ने 7.5 करोड़ 8 लाख के आंकड़े को टच किया, जो कि इस हफ्ते रिलीज होने वाली ड्रीम गर्ल 2 के कलेक्शन से ही थोड़ा सा कम है। अपने 15 ही दिनों में 426 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। आज फिर इस फिल्म में 60% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यह फिल्म आज 3 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस लेकर ओपन हुई है। मॉर्निंग से इसकी आज की कुछ पैसे 28 से 38% की है। ये फिल्म आज डबल डिजिट के आंकड़ों को पार करते हुए लगभग 11 करोड़ के आंकड़ों को आसानी से टच कर रही है। आज ये KGF चैप्टर 2 के लाइफ टाइम 437 करोड़ की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड का जो कलेक्शन है वो 575 करोड़ के आंकड़ों को टच कर चुके होंगे। अगर इसी तरह ये फिल्म इस हफ्ते कमाई करती रही तो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। साथ ही साथ हम बताने वाले हैं अभी कल ही रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही जानने वाले हैं कि इस मूवी का बजट क्या है। तो यह मूवी 2019 में आई ड्रीम गर्ल का सिक्वल है। इस मूवी को टोटल इंडिया में 1500 स्क्रीन मिली हुई हैं और ओवरसीज में 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। बजट की बात करें तो इसका बजट 42 करोड़ का है। इस मूवी के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इसका जो पहले दिन का कलेक्शन था वो 8 से 10 करोड़ के बीच का रहा। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन 12 से 14 करोड़ का रहा। जिस दिन ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हुई थी उसी दिन 5 और मूवी रिलीज हुई है। इतने सारे कंपटीशन के बाद भी ड्रीम गर्ल 2 ने 9 करोड़ की ओपनिंग ली है। इसके साथ साथ गदर 2, OMG 2, ज्वेलर जैसी बड़ी अभी भी थिएटर में लगी हुई है और लोग उन्हें भी पसंद कर रहे हैं। तो इन सारी मूवी के बावजूद भी इसने 9 करोड़ कमाई की, जो कि इसके 42 करोड़ के बजट पर बनने वाली फिल्म पर एक सही कलेक्शन है।